नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका पहला लाइव टेस्ट होगा जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। अगला है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, यूनिट होती है एम्पियर। अगला है, एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ऑप्शन ए, 746 वाट होते हैं, 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है। तो आपको गलत वाला बताना है, एक में राशि है दूसरे में मात्रक है, तो गलत वाला इसमें पहचान करना है, ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है एपे बिंदी। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है। तो ऑप्शन ए, 9.46 × 10^15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो ऑप्शन बी, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, नहीं है। तो ऑप्शन डी, द्रव्यमान, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए, आप एक। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी, न्यूटन का प्रथम नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल पर। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इस्माइल जी के मान का कौन सा भाग होता है। तो ऑप्शन सी, 1/6 भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी, एक्सीलरेशन, या कह सकते हैं त्वरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैम्प की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है। तो ये किस नियम का उदाहरण हो जाएगा, देख लेते हैं गाइस। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केशिकत्व का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है। तो सीटी स्कैन। बाकी के 3 करते हैं, लोहे के जहाज का पानी पर तैरना, जीवन रक्षक पेटी और पनडुब्बी। वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है। तो ये देता है ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि जो होती है, ऑप्शन डी, अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। असुमेलित तथ्यों को पहचानने हैं, तो एक में तरंग है दूसरे में खोज करता है, और गलत वाला आपको बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि गामा किरण की खोज करता है बैकुरल, एक्स किरण की विलियम रॉन्डजन, और रेडियो तरंग की खोज की मार्कोनी। MCB का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है। तो ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है। तो ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा, AC करंट। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है। तो ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का
उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस का। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? ऑप्शन बी उत्तल लेंस। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? तो व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी के तीन हैं, जैसे कि प्रकाश तंतु, हीरों का चमकना, मरीचिका की घटना, अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन ए। बाकी के तीन हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन बी नीला, हरा और लाल। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बैंगनी। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी विक्षेपण। असुमेलित तथ्य को बताइए तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हो जाएंगे, जैसे कि डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सोनार। मुद्रा अथवा नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी पराबैंगनी तरंगें। अभरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऑप्शन डी पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन ए। बाकी के तीन हैं, जैसे कि पानी की सतह पर तेल का चमकना, सीडी पर विभिन्न रंगों का उभरना, पानी के बुलबुलों का चमकना। विसरण का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन बी होलोग्राफी। बाकी के तीन सही हैं, भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। अगला है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको कहते हैं एसी करंट, को दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? ऑप्शन डी चांदी, जिसको कहते हैं सिल्वर, एजी कह सकते हैं। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु अथवा फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। अब करेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी लेवासिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी पानी का चीनी में घुलना, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? तो ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पारा, मरकरी या कह सकते हैं HG। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन डी कार्बन। अगला है अर्धचालक तत्वों को बताइए। तो अर्धचालक जो तत्व होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
ए है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम। वायु क्या होती है? तो वायु है ऑप्शन बी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड। किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है? तो वर्षा का जल। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? सभी को पता होगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिटकरी। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन डी समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए ऑप्शन ए भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी आसवन विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी क्रोमियम। अगला हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी फ्रियोन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सिल्वर ब्रोमाइड। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो रेडॉन RN। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी सल्फर के कारण। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का अयस्क है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए ब्यूटेन। LPG में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए इथाइल मरकैप्टन गैस। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्य को बताइए, तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन है, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि बी है नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लिथियम का। जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगला है वृद्धावस्था बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन सी जोहानसन ने की थी। अमीबा किस संघ का जंतु है? तो ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन सी फाइसेलिया। केचुआ किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन सी संघ एनीलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? ऑप्शन डी संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाबो क्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी, कोशिका को माना जाता है जीवन की आधारभूत इकाई। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गालजी का है। किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, लाइबोसोम। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, Mg की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? तो मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, यूफेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो जापानी इंसेफेलाइट्स को। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, वायरस को, विषाणु को। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, एडीज मच्छर को। एरेनियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो ऑप्शन बी, मलबरी सैतूत के पत्ते पर। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। अगला है, काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कीट। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 हैं, जैसे कि जू, मच्छर, किलनी जिसको कहते हैं टिक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु इटाइटाई रोग उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन ए, कैडमियम। CD। साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड का वाहक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो कार्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, युगलीना। तिलचट्टा किस वर्ग का है? तो ऑप्शन डी, सर्वाहारी। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी, नाल पद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? तो व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? बी और सी, जू के और एपिस के। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीताकृमी होता है? ऑप्शन सी, टीनिया। केंद्रक के अलावा DNA और कहाँ पाया जाता है? ए और बी, माइटोकॉन्ड्रिया, और बी है लबक। जीन के भीतर
अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी डीएनए द्वारा। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं? तो ऑप्शन सी केंद्रक। सबसे बड़ा सावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? रॉबर्ट हुक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी ए और बी प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।